हाय, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टेक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम उत्पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कपशप में। जो नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 में जो बदलाव करे गए थे जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल डेवलपिंग के ऊपर, उसके रिगार्डिंग हमने जो है नोटिफिकेशन और साथ ही साथ अलग अलग सिनेरियो को जो है डिटेल में डिस्कशन किया था, राइट। उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी लोगों को जो है क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से जो है प्रीवियस नोटिफिकेशन 12/2017 और जो अब नोटिफिकेशन जो कि 18 जुलाई 2022 से जो है लेवी हो गई थी, जो नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 और नोटिफिकेशन नंबर 5/2022, उसमें क्या बदलाव है उसको हमने अलग अलग सिनेरियो में लेके चले और वहां पे हमने उसको समझा कि किस तरीके से अब जो है सिनेरियो में बदलाव होगा, राइट। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सुरेश झा जी ने जो है हमें रिकमेंड किया कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा जो आपने एग्जाम्पल्स लिए थे कुछ एग्जाम्पल्स को जो है फर्दर और अगर इलेबोरेट हो जाए तो इसमें हमें जो है कंप्लीट हम किसी भी सिनेरियो को जो है कवर कर लेंगे। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्दर और उसके जो है डिटेल एग्जाम्पल, ताकि हमारे पास अगर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अलग अलग एग्जाम्पल बनते हैं तो हमारे जो है बदलाव के हिसाब से जो है उसका रिजल्ट जो है हमें वहां पे मिल जाए। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन में जो है उसका लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको हम उसमें हमने नोटिफिकेशन पिछली नोटिफिकेशन क्या थी, नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 में क्या था उसमें क्या बदलाव करा गया और नोटिफिकेशन नंबर 5/2012 में जो है 2022 में जो है क्या लिखा गया, तो उस तीनों नोटिफिकेशन के साथ हमने अलग अलग सिनेरियो को समझा कि किस तरीके से जो है वहां पे बदलाव होगा। तो प्लीज उस वीडियो को इससे पहले जरूर आप रिकमेंड जो है आप आपसे आपको जो है सजेशन है कि आप प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए। आई बटन में उसका लिंक डाल दिया गया है तो वहां से आप उसको रेफर करने के बाद उसके जो एक्सटेंडेड सिनेरियो बनेंगे वो जो है अब हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, आपको जो है फर्दर जो एक्सटेंडेड अब हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आप प्लीज एक बार उस पर नजर मार लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे जो है आइए और ये फिर जो है आपको कंप्लीट कवरेज जो है इसके ऊपर मिल जाएगी। तो आइए मूव करते हैं हम अगल उसी के आगे फर्दर वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम फर्दर और एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि किस तरीके से जो है और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कवरेज हो सकती है। तो यहाँ पे हम अलग अलग सिनेरियो को कवर करेंगे फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। हम सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपियंट की कैटेगरी के हिसाब से, प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से और उसका यूज क्या है वहां पे हम जीएसटी की चार्जेबिलिटी देखेंगे कि किस तरीके से रहेगी। फर्स्ट सिनेरियो में हम करते हैं कि दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सप्लायर भी रजिस्टर्ड है मतलब सर्विस प्रोवाइडर, लैंडलॉर्ड जिसको हम कहेंगे वो भी रजिस्टर्ड है और हमारा टेनेंट जो कि सर्विस रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में प्रॉपर्टी के केस जो अभी हम देख रहे हैं वो रेजिडेंशियल वाले देख रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बदलाव करे गए हैं वो रेजिडेंशियल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बदलाव करे गए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि कैटेगरी कौन सी है, प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे रेजिडेंशियल है, राइट। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। यूज उसमें चाहे रेजिडेंशियल का हो चाहे कमर्शियल का हो, तो रेजिडेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल यूज एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, राइट। तो वहां पे जो है उन दोनों कैटेगरी को जो है यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करके जो है नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 में क्या बदलाव करे गए वो हम समझेंगे। तो पहले वाले सिनेरियो में दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी जो है रेजिडेंशियल है। तो हमने पिछली नोटिफिकेशन में क्या क्रक्स निकाला था, आपने देखा होगा कि हमने क्या क्रक्स निकाल के चले थे, दो कंडीशन, दोनों कंडीशन ध्यान है पिछले वाली नोटिफिकेशन की, कि क्या देखना है, हमें देखना है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड हो,
और दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल हो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हमारी नई वाली नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 लेवी हो जाएगी और आरसीएम में जो है रेसिपियंट को जो है वहां पे टैक्स पे करना होगा और उसका फिर वो क्रेडिट ले लेगा, राइट। तो यहाँ पे पहले वाले सिनेरियो के ऊपर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, रेसिपियंट भी रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल है, तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। लास्ट में लिखा हुआ है आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो में क्या है कि रजिस्टर्ड जो है लैंडलॉर्ड जो है रजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल ही है और वो यूज भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 लेवी नहीं होगी क्योंकि हमारी जो दो कंडीशन थी उसमें से एक कंडीशन जो है वो वॉयलेट हो गई कि जो रेसिपियंट है वो रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में ही कवर हो जाएगा, राइट। ध्यान है ना, वो 12 पिछली पिछली वीडियो में हमने कवर किया है, कर चुके हैं ना हम कवर, पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि 12/2017 में क्या था, वो रेजिडेंशियल के बाद एक्सेप्ट इंसर्ट कर दिया नोटिफिकेशन नंबर 4 से, और वहां पे जो अगर अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड है तो उसको बाहर कर दिया गया, यही किया था। तो यहाँ पे जो है रेसिपियंट जो है अनरजिस्टर्ड है इसलिए वो बाहर नहीं हुआ, और नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के हिसाब से वो एग्जम्पशन में आ गया और इसलिए यहाँ पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी सेकेंड वाले केस में नहीं आई। थर्ड वाले केस में क्या है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड है, रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, रेजिडेंस है। वही दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोनों कंडीशन, तो आरसीएम पे हमारी लाइबिलिटी आ गई। चौथा सिनेरियो, दोनों पार्टी ही अनरजिस्टर्ड है, दोनों पार्टी अनरजिस्टर्ड है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपियंट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सेकंड कंडीशन में देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है कि नहीं है, वो देखने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो यहाँ पे जो है जीएसटी नहीं लगेगा। पांचवा केस क्या था, पांचवा केस है दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है, दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है, प्रीमिसेस भी रेजिडेंशियल है लेकिन वो फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस यूज हो रही है। यहाँ पे हमने क्या क्लैरिफाई किया था कि हमें देखना है कि प्रॉपर्टी की टाइप क्या है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, और कॉमर्शियल है चाहे वो यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज अ कॉमर्शियल हो रही है, लेकिन वो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो जो है नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 में आ जाएगी और एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए फिफ्थ वाले केस में भी जो जो सेकंड वाला जो कॉलम है रजिस्टर्ड वाला वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है और थर्ड वाला भी रेजिडेंशियल सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसलिए एग्जम्पशन मिल जाएगी और जो है आरसीएम पे लाइबिलिटी आ जाएगी नोटिफिकेशन नंबर 4 और नोटिफिकेशन 5 की वजह से। अगले सिनेरियो में क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा है रेजिडेंशियल बट फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो 4 और 5 का कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, जो प्रीवियस सिनेरियो था वो ही आ जाएगा। प्रीवियस सिनेरियो में क्या था, एग्जम्पशन कब थी, जब रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल के लिए यूज करे गया था तब एग्जम्पशन थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में ही इसके ऊपर जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा। सेवन सिनेरियो में आते हैं, सेवन सिनेरियो में क्या है, सेवन सिनेरियो में अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है कमर्शियल के लिए। यहाँ पे जो 4 और 5 की दो कंडीशन क्या थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, रेसिपियंट भी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल के लिए यूज हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी कैटेगरी की क्या है, रेजिडेंशियल है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आरसीएम पे लाइबिलिटी आ जाएगी, रेसिपियंट को जो है आरसीएम पे अपना जीएसटी पे करके चलना है और उसका क्रेडिट लेवल ले लेगा। आठवीं केस में क्या है, अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा, 4 और 5 की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दो जो कंडीशन थी नोटिफिकेशन नंबर 4 की वो सेटिस्फाइड नहीं हुई क्योंकि जो रेसिपियंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगला सिनेरियो नाइन नंबर में हमारा क्या आएगा, 9 में है रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड को ही सप्लाई करा है लेकिन प्रीमिसेस यहाँ पे कॉमर्शियल है, तो इसलिए सिनेरियो नंबर 9, 10, 11, 12 में 4/2022 की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी क्योंकि सेकंड कंडीशन जो थी, पहली कंडीशन तो रेसिपियंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो थी प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, तो हमारे जो सिचुएशन नंबर 9, 10, 11 और 12 है उसमें हमारी जो है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 की इम्प्लीकेशन वहां पे नहीं आएगी।
पिछला जो सिनेरियो था वही वहां पे चलता रहेगा। और पिछला सिनेरियो क्या क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन है, कमर्शियल वाला केस है ना यहाँ पे, रेजिडेंशियल दोनों 9 और 10 में क्या है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, दोनों जो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 12/2017 की यहाँ पे, तो वो एग्जम्पशन के ग्राउंड में नहीं आया। वहां पे जो है उसको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो है जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा अपनी सप्लाई के ऊपर, सप्लाई ऑफ रेजिडेंट वो कर रहा है ना रेंटिंग, तो वहां पे उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जो बाद के दो केसेस हैं वहां पे क्या है, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो चाहे हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 लगना नहीं, एग्जम्पशन जो 12/2 सॉरी नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 लगना नहीं, और नोटिफ एग्जम्पशन नंबर 4/2017 जो है वो मिलना नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, राइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने समझा कि क्या जो है हमारे अलग अलग सिनेरियो बन जाएंगे। तो इसको इसका अगर क्रक्स की पार्ट करें ना तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, तो वहां पे वो फॉरवर्ड चार्ज में दे देगा, जो आपके साथ में सामने चार्ट शेयर हो रहा है ना उस पर समझो कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज पुराना वाला केस 18% के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज में दे देगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसके बाद 4/4 और 5 की तो इम्प्लीकेशन की बात ही नहीं बात बनती, वो तो टेनेंट को देखना हमें कि टेनेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है वहां पे, तब जाके जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल है कि नहीं है, तो वो दो कंडीशन होगी तो जाके 4 और 5 का जो है सिनेरियो आएगा, अदरवाइज तो पुराना वाला चल रहा है। इसलिए जो ये स्टार्टिंग का कॉलम जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला उसमें कोई बदलाव नहीं है, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो 18% फॉरवर्ड चार्ज पे दे देगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे हमें टेनेंट की देखना ही नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, पुराने केस के हिसाब से ही है यार, सिंपली बात है, अगर वो उसके पास लेवी है, वो जीएसटी नंबर ले रखा है, वो जो है पे करेगा अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब वो वाला केस आ जाता है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहां पे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ उसको वो नहीं देखना, हमें देखना क्या था 4 और नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 के लिए कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उस केस में, हमें दूसरी कंडीशन क्या देखनी थी कि टेनेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम में जो है फॉरवर्ड जो आरसीएम में जो है उसकी लाइबिलिटी इंकर्ड होगी जीएसटी पे करने की, अदरवाइज अगर वो टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 से बाहर आ गया, पुराना वाला सिनेरियो ही हो गया, वहां पे उसको कोई भी जीएसटी की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, राइट। इस फॉर्म में जो है इजीली समझ जाएंगे, जो रेड वाले दो पार्ट जो करे गए हैं फर्स्ट पे और आखिरी पे वहां पे जीएसटी लगना है, जो पहला वाला रेड पार्ट है वहां पे पहले जो जो पहले चल रहा था उसी के हिसाब से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, और जो बाद वाला रेड है, जो बाद वाला रेड है राइट हैंड साइड वाला रेड है, वो जो है नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 के हिसाब से 18 जुलाई 2022 से जो है उस पे रिवर्स चार्ज के अंडर 18% जो है वहां पे जीएसटी लेवी कर दिया गया है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे क्रक्स बन के आता है, ये हमारी सिचुएशन सारी कवर अप हो जाती है। फर्दर आप तो आई थिंक इसमें कुछ भी फर्दर डाउट नहीं बचेगा, फिर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेल जरूर कीजिए textgupshup@gmail.com पे, आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, राइट। उस पे जो है टीम जो है उसका रिवर्ट कर देगी अकॉर्डिंगली। तो इसकी जो है हमने रेजिडेंशियल ऑफ जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल डेवलपिंग के ऊपर जो है हमने कंप्लीट कवरेज जो है अब आज कंप्लीट कर ली है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने नोटिफिकेशन और कुछ सिनेरियो देखा, बचे हुए सिनेरियो हमने आज देखे, और लास्ट में इस चार्ट से अब जो है हमने इसका क्रक्स को समराइज कर दिया, राइट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है पोर्शन जो है कम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो हम जो चैनल पे लाते रहते हैं क्लैरिफिकेटरी वीडियो, जो उनसे भी चेंजेस वगैरह आते हैं उस क्लैरिफिकेशन वगैरह जो आपको किसी उस पर टॉपिक पे लगता है, तो प्लीज आप जो है मेल जरूर कीजिएगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है आप क्लैरिफिकेटरी वीडियो जो है बना दीजिए, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।